आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें। ENRC कैब संशोधन काले कानून के खिलाफ पूरे देश में जामियत उलेमा ए हिंद के नेतृत्व में आज जुमे की नमाज के बाद धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में नगर खुजनेर में मुस्लिम समुदाय द्वारा जामा मस्जिद के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समुदाय भी संशोधन संविधान के खिलाफ बता रहा। उनका कहना है कि संशोधन में सभी अन्य धर्मों के लोगों का जिक्र है लेकिन मुस्लिम का नहीं। इससे सिद्ध होता है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। इस धरना प्रदर्शन में आज जामा मस्जिद के सामने अंजुमन कमेटी और वक्फ बोर्ड जिला सदर अजीज मौला के नेतृत्व में सभी मुस्लिम समुदाय ने NRC कैब के काले कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और कहा कि सरकार को बिल वापस लेना चाहिए। पूर्व नगर अध्यक्ष ओम गुप्ता ने बताया कि ये बिल भारत की एकता और सर्व धर्म सद्भावना को बांटने वाला बिल है। बिल लाया गया है जिसके विरोध में आज हम ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को तहसीलदार साहब के द्वारा दे रहे हैं। इसे भी हमारा जो ये कहना है कि इस बिल को जो है मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाए। मध्य प्रदेश में इस बिल को लागू नहीं किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हमारी गुजारिश है कि इस बिल को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जावे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। न्यूज रिपोर्टर इरशाद मंसूरी, खुजनेर की रिपोर्ट।